ध्यान दीजिए, बताएंगे आज एम्पियर मीटर के यूज के बारे में, और इसके पहले मैंने अगली वीडियो में बता रखा है क्लैंप का यूज, अगर उसको नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अब आगे चलते हैं और बाकी चीजों का यूज देखते हैं, क्या चीजें कैसे यूज हम करेंगे। तो अगर वोल्टेज आपको देखना है, यानी वोल्टेज नापना है, तो हमको इसके लीवर को घुमाकर 750 यानी कि 750 वोल्ट पर सेट करना होता है। ये वोल्ट का जो चिन्ह होता है कुछ इस तरीके से होता है, बोर्ड पे दिखा दे रहा हूँ एक बार। इस वोल्ट का जो चिन्ह होता है V लिख करके ऐसे धारा फ्लो का चित्र बना होता है, मतलब धारा इसके आपको सेट करना है 750 V, इस तरीके का चित्र है इसमें सेट कर लेना है। और फिर के बाद वोल्टेज आप चेक कर सकते हैं, वोल्टेज कैसे चेक करेंगे उसका फटाफट से प्रिंट करा देते हैं। देखिए तो करना क्या होता है, ब्लैक वाले वायर को देखिए, एक को आपको इसमें लगा लेना है, ये भी ओमेगा होता है इसके अंदर, और एक जो है आपको इसके अंदर लगा लेना है। अब क्या करना है, इसको दोनों को आपको वोल्ट पे ही सेट करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर उल्टा कहीं सेट कर देंगे आप ना इसके अलावा, तो ये ब्लास्ट हो सकता है, ठीक है ना, फट सकता है, क्योंकि डीसी पे नहीं सेट करना, इस बात को याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए मैं लिख दिया हूँ 750 V, अगर इससे सिग्नल बना है वहाँ पर, ध्यान से सब लोग देख लीजिए, है ना, ये सिग्नल है, एक बार जूमिंग करके देख लीजिए वीडियो में भी। चलिए अब हम फटाफट से चेक करते हैं इसका प्रैक्टिकल किस तरीके से ये होगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारा एक बोर्ड है और यहाँ पे हमारे हाथ में एक क्लैंप मीटर है, हम इसको लाइट में प्लग करते हैं, डाटा होल्ड कर लेंगे तो दिख जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज आ रहा है वो हो रहा है 210 वोल्ट, हमारे यहाँ विद्युत धारा आ रही है। तो डाटा होल्ड कर लिए तो ये इतना धारा आ रही है,